इशू ऐसा हमारा ऐसा है कि हमारे रोड निकाल से आरएमबी ने कोई डंगने दिया किसी ने कोई डंगने दिया मेरे घर को कोई नुकसान होगा तो वो जिम्मेवार हो गवर्नमेंट हो। ये सर हो गए कितने 2 साल तो हो गए इसको। जी वो ही नहीं पूछते सर हम कुछ नहीं सर, हम डंग दे दें तो रोड चाहिए हमें नीचे ब्लैक टॉप होनी चाहिए। नमस्कार, इस समय आप देखते हैं जेके टाइम न्यूज़ और मैं हूं कमल चाड़क। इस समय की ये तस्वीरें भद्रवाह ब्लॉक की गांव मानवा से हैं। जी हां, आपको बता दें मानवा में देवेंद्र जी ने आज मीडिया को बुलाकर अपनी समस्या सुनाई। जी हां, आपको तस्वीरों में देख पा रहे जिस तरीके से यहां पर लैंडस्लाइड हुआ यानी कि भूस्खलन का मामला ये सामने आया है। इनका कहना था कि बिल्कुल आरएनबी विभाग की निग्लिजेंसी की वजह से जो है यहां पर भूस्खलन देखने को मिला है। उनका कहना था कि वो चाहते हैं इस जगह पर जो है प्रोडक्शन वर्क हो और साथ ही साथ रोड का काम भी शुरू किया जाए। देखिए भद्रो से एक खास रिपोर्ट। इस समय मैं भद्रो ब्लॉक के मानवा पंचायत में पहुंचा हूं, जहां पर कुछ लोगों द्वारा जो है प्रशासन के ऊपर कई सवाल उठाए गए, कंसर्न डिपार्टमेंट जो आरएनबी है उन पर कई सवाल उठाए गए हैं। क्या कुछ कारण है, आपने जिस तरीके से तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि एक तो ये रोड जो है इस रोड को जो है फंक्शनल करने की मांग की जा रही है, और दूसरा इनका ये कहना है कि इनके जो घर मकान है मकान के साथ एक लैंडस्लाइड हुआ है जिसकी कटिंग जो है आरएनबी विभाग ने की थी, और आरएनबी विभाग की रोड कटिंग के कारण जो है वो स्लाइड आई है। लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं आरएनबी विभाग अब इस ओर नहीं देख रहा है, और आप कहीं ना कहीं मकान को गिरने का खतरा कि किसी तरीके से आप मकान जो है किसी भी समय जो है उसको कोई नुकसान पहुंच सकता है। तो जिस तरीके से लोगों ने बताया, जिस तरीके से आपने तस्वीरों में भी देखा कि स्लाइड हुई है, किस तरीके से जो है इस रोड का काम अभी पेंडिंग है, तो कहीं ना कहीं लोगों में गुस्सा है, और उस गुस्से को दिखाते हुए आज उन्होंने जिस तरीके से अपनी बात मीडिया के सामने सोशल मीडिया के सामने रखी। आरएनबी विभाग से जब भी हम सवाल पूछने का प्रयास करते हैं तो जूनियर सीनियर्स को ऑर्डर देते हुए ये दिखाई देते हैं कि कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं देना है। जूनियर ऑफिसर्स के दबाव के चलते सीनियर अधिकारी या सीनियर पद पे बैठे ऑफिसर्स भी कोई स्टेटमेंट देने से कतराते हैं। अच्छा, आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो है बिल्डिंग्स बनी हैं, मकान बने, लोगों के रहिशी मकान है, और साथ में जो है ये जो आप स्लाइड देख पा रहे हैं ये इस मकान के साथ ही जो है यहाँ पे स्लाइड जो है लैंडस्लाइड हो चुका है। और जहाँ तक जानकारी प्राप्त हो रही है यहाँ पर आरएनबी का जो है रोड कंस्ट्रक्ट हो रहा था, और ये जो लोकेशन अभी इस समय आप देख रहे हैं मेरे आसपास ये जो है आरएनबी के रोड की कंस्ट्रक्शन उसकी कटाई के कारण जो है इन लोगों का दावा है कि इस उस रोड की कटाई के कारण जो है आज जो है इनका लैंडस्लाइड हो गया, और कोई प्रोटेक्शन वर्क विभाग द्वारा जो कंसर्न विभाग द्वारा नहीं की जा रही है। मेरे साथ जो है मौके पर उपस्थित कुछ लोग हैं जिन्होंने आज यहाँ पर जो है मीडिया को इन्वाइट किया। सर सबसे पहले क्या नाम है आप? देवेंद्र जी, क्यों मीडिया को इन्वाइट किया, क्या कारण है आज? क्या मैंने ऐसा किया, हमने अपनी ज़मीन दे दी, मेरे 3 मतलब ज़मीन पूरी पीछे, चलो रोड निकले हमें कोई चक्कर नहीं, लेकिन रोड नहीं निकली क्या चक्कर है? यहाँ पर हमारा घर खराब है, हमें कुछ होना चाहिए। क्या ऊपर से जो है आपकी जो ये स्लाइड नीचे के लिए धस गया है ये ज़मीन, क्या सर ये तो गवर्नमेंट की, हम क्या बोल सकते हैं, गवर्नमेंट कर गए, एडमिनिस्ट्रेटिव खुद कर गए। क्या चाहते क्या अभी आप, आपने आज नहीं, हमें रोड चाहिए यहाँ पे, कहाँ पे यहाँ पर रोड चाहिए। कितने दिन से जो है आपके यहाँ पे ये स्लाइड हुआ? सर ये तो 3 महीने हो, मैंने बड़ी ये की थी कौन एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन कोई सुनते नहीं सर, हमारी सुनते नहीं आए तो तभी बुलाया आपको। शुक्रिया कीमती समय देने के लिए। आपने देखा किस तरीके से इन्होंने अपनी बात रखी, और मैं आपको बताना चाहूँगा आप पीछे देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ पर एक लैंडस्लाइड हुआ है, और जो इनका कहने के मुताबिक 3 महीने पहले का हुआ है, और यहाँ से कोई एक सड़क निकल रही थी आरएनबी की, और जिसकी कटाई ये कटिंग जो की है सड़क की कटाई से हुआ, ये ठेकेदार सर कटिंग इससे जेसीबी से। बिल्कुल बिल्कुल, तो आपने देखा कि इनकी क्या कटिंग वाला ठेकेदार कौन था, ब्राउन होगा, टंडर नहीं हो पास नहीं क्या चक्कर मुझे नहीं वो पता, लेकिन मैंने बोला काटी मत करो ये झड़ जाएगा पूरा, देखो ना आप खुद ही देख लो सर, ये तो आपके सामने है सब, दिखाओ दिखाओ जी ऊपर देखिए, मतलब कि लोग परेशान हैं और विभाग से जो है जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग करते हैं। बने रहिए जेके टाइम्स के साथ, पल पल के अपडेट के लिए मुझे और मेरे साथियों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।